अगर आप भी इमेज फोटो या वीडियो ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी को भी और वो नहीं हो रहा है, या फिर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप 500 MB का कर सकते हो, 1 GB का कर सकते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पूरी पूरी मूवी भेज सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पूरी पूरी मूवी अपने फ़ोन से भेज सकते हो किसी को भी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कोई सा भी ब्राउज़र खोल लेना है, और ब्राउज़र खोलने के बाद में आपको गूगल में टाइप करना है वी ट्रांसफ़र। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो वी ट्रांसफ़र को आपको ओपन करना है सबसे टॉप वाली साइट को, और ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप कंप्यूटर में करेंगे तो कंप्यूटर में भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ सेम ही होता है। तो सबसे पहले आपको सेंड ए फाइल पे क्लिक करना है। सेंड ए फाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको वो फाइल ऐड करनी है जो फाइल आपको ट्रांसफ़र करनी है, चाहे वो मीडिया हो, फोटो हो, कुछ भी हो, मूवीज हो, वीडियो हो, जो भी हो, आपको उसको ऐड योर फाइल पे क्लिक करके उस फाइल को अपनी गैलरी में से ऐड कर लेना है। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक इमेज ले ली है जिससे वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए और हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। और इमेज या फोटो या वीडियो ऐड करने के बाद में आपको जो भी भेजना है उसको ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर मैसेज टाइप करना है। अगर आपका मन है तो आप मैसेज टाइप कर दीजिए, अगर आपका मन नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। चलिए हम मैसेज भी टाइप करके दिखा देते हैं। मैसेज टाइप करने से ये होता है कि जिस बंदे को आप भेज रहे हो उसके पास एक मैसेज पहुंच जाता है कि भाई ये जो चीज़ भेजी है या फिर जो भी आपको बोलना है सामने वाले बंदे से, वो ये मैसेज पहुंचा देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 GB तक हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट कर देते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद में हमारे पास एक ऑप्शन आता है सेंड एन ईमेल। तो सेंड एन ईमेल पे हमें नेक्स्ट करना है, और उसके बाद में अब हमारे पास आ जाती है मेल। 2 मेल है हमारे पास, देख सकते हैं आप, एक है ईमेल टू और नीचे ऑप्शन आ रहा है यूर ईमेल। तो ईमेल टू में आपको वो ईमेल डालनी है जिस बंदे को आपको भेजना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मेरे को जिस बंदे को भेजना है मैं उसकी ईमेल डाल देता हूँ, और मैंने उसकी ईमेल डाल दी है, उसके बाद में नीचे मैं अपनी मेल डालूंगा। ध्यान रखना दोस्तों, आपको मेल वही डालनी है जो आपके पास प्रेजेंट में हो, क्योंकि OTP जाता है जिससे ये वेरीफाई होता है। चलिए अभी मैं अपनी मेल डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी मेल डाल दी है। मेल डालने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि आपको एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है तो यहाँ पर आप और भी मेल्स ऐड कर सकते हो। चलिए अभी हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं, और ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद में आपके पास देख सकते हैं वेरीफाई योर ईमेल। तो अभी हमारी ईमेल के पास एक OTP जाएगा जो हमें यहाँ पर डालना होगा। चलिए हम ईमेल को ओपन करते हैं, और ईमेल को ओपन करने के बाद एक रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद में देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे 4935548 कोड आ चुका है। तो यहाँ पर हमने कोड डाल दिया है। डालने के बाद आपको सीधा वेरीफाई पे क्लिक करना है, और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अगर आप कोड ठीक डालेंगे तो आपके जो ट्रांसफर है वो स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ट्रांसफर स्टार्ट हो गया है, अभी जा रहा है, और यहाँ पर हमें क्लियर दिखा रहा है सेंडिंग 1 file to 1 person। तो हमने एक ही बंदे की मेल ली थी इसलिए एक बंदे को ही जा रहा है ये, और उसके बाद में आपके पास जो फाइल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। फाइल ट्रांसफ़र होने के बाद में आपकी मेल के पास एक लिंक आ जाएगा जो हमारा डाउनलोड लिंक होगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही आपकी जो फाइल आपने ट्रांसफ़र करी है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस बंदे की आपने मेल डाली है उसके भी पास उसकी मेल पे लिंक जाएगा, और उस लिंक से वो डाउनलोड कर सकता है। इस तरह से आप बड़ी से बड़े मीडिया को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मूवीज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी उसी रेजुलेशन में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।